नमस्कार दोस्तों, डीएलएस न्यूज के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज 10 सितंबर 2018 सोमवार को भारत बंद है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भारत बंद का आह्वान और ऐलान किया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच मोदी सरकार के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 10-12 ऐसी बड़ी खबरें और बड़े अपडेट, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि नए नियम निकल कर आ रहे हैं जो हर एक भारतीय को जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहते हैं और सरकार की लाखों रुपए की नई स्कीमों का फायदा फ्री में उठाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एकदम पूरा लास्ट तक आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करें पहले नए नियम और बड़ी खबर बड़े अपडेट की, तो ये जो निकल कर आ रहा है एसबीआई बैंक की तरफ से निकल कर आ रहा है। एसबीआई ने उठाया बड़ा कदम, अब दूसरे के बैंक खाते में नहीं जमा कर पाएंगे कैश। लोगों के बैंक खातों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने बड़ा फैसला लिया और नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर जालसाजी के आए मामले को देखते हुए एसबीआई ने फैसला लिया है। किसी के खाते में कोई दूसरा शख्स पैसे जमा नहीं करा पाएगा, यानी कि अगर किसी ए नाम के आदमी का एसबीआई बैंक में खाता तो केवल वही कैश काउंटर पर जाकर पैसे जमा करा पाएगा। यहां तक कि कोई भी पिता या अपने बेटे एसबीआई के खाते में भी पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर ए नाम के खाते में कोई बी या सी नाम का पर्सन जमा कराने जाता है पैसा, तो ऐसे में उसके जमा पर्ची के ऊपर जिसका बैंक अकाउंट है उसके हस्ताक्षर होना जरूरी है और उसका एक परमिशन लेटर भी साथ में ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर के बैंक वाले पैसे जमा करेंगे। अगर आपका भी एसबीआई में खाता है तो आगे से इन बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए यह अपडेट और खबर। वहीं यहां दूसरी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है दोस्तों, यहां जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार घटा सकती है टैक्स। दोस्तों मैं क्विकली आपको सभी खबरों के टाइटल यहां बताने वाला हूं, यानी कि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको 10-12 ऐसी बड़ी खबरें जानने को मिलने वाली इस वीडियो में। तो गलती से भी इस वीडियो को बीच में बंद मत कर देना वरना आप पूरा फायदा नहीं ले पाओगे और फिर मुझे कहोगे यार डीएलएस भाई तुमने सही टाइम पर खबरें नहीं बताई। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत बंद के साथ में यहाँ पर मोदी सरकार के अंदर जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है वही इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं, तो आखिर ये तक लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता होने की जो खबर आ रही है, पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल जल्दी सस्ता हो सकता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को ये जानकारी दी, तो इसके संबंध में यहाँ पर वेट कम करने के लिए खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों अभी अभी पेट्रोल डीजल को लेकर यहाँ भी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल पर राजस्थान सरकार ने दी राहत, 4% तक वेट घटाया है। रविवार को राजस्थान राज्य की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल से राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट को 4% तक कम करने का ऐलान किया और इससे पेट्रोल जो 2.5 से 3 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकल कर रहा दोस्तों, क्या काम आएगा पीएम मोदी का ये फॉर्मूला, ऐसे सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए और कच्चे तेल की ऊंचाई ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगा रखी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड पर हाई है। ऐसे में दोस्तों यहां पर भी वही फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों मिलकर के एक्साइज ड्यूटी और वेट को कम करते हैं तो पेट्रोल डीजल के अंदर काफी 6-7 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग जब भी आगे कोई खबर अपडेट आएगी तो मैं डीएलएस न्यूज के ऊपर क्विकली आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आने वाली है मोदी सरकार की एक खास स्कीम, बदल जाएगा लेन देन का पूरा तरीका। मोदी सरकार एक नया कार्ड लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है दोस्तों NCMC यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये ATM की तरह एक कार्ड होगा जिससे हर तरह के पेमेंट लेन देन आप कर पाएंगे। रेस्टोरेंट पर खाना खाने से लेकर रेलवे स्टेशन, किरानों की दुकानों से कुछ भी सामान खरीदने, रेल टिकट, बस टिकट, ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना वगैरह वगैरह सारा आप ऑफलाइन और ऑनलाइन काम कर पैसों का ट्रांजेक्शन जो अपडेट आप यहां से दे पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर और अपडेट निकल कर दोस्तों, 200 और 2000 रुपए के नोट से जुड़े नए नियम RBI ने बदले तत्काल प्रभाव से लागू किया है। दोस्तों अगर आपके पास 200 और 2000 रुपए के कटे फटे नोट भी है तो बैंक उसको लेने से मना नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इन नोटों को बैंकों में बदलने का एक नया नियम बना दिया है, तो हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी और अपडेट है। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर रहा है दोस्तों, आप छुट्टी के दिन भी बैठेगी बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड भी रहेगा उपलब्ध, बच्चे और परिजन की हर दिन होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा बदलाव किया और इस समय यह उस लोकेशन वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों, आप जेनरिक फार्मा में सरकार देगी युवाओं को रोजगार, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा प्रस्ताव। यहां आप देख पा रहे होंगे जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जल्द ही एक और बड़ा निर्णय लेने जा रही है और अभी तक सरकार ने देश भर में जेनरिक केंद्रों की संख्या बढ़ाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और अब इन्हीं केंद्रों के जरिए सरकार बेरोजगार युवाओं को एक नया विकल्प भी देने जा रही है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स यंगस्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगली बड़ी खबर और अपडेट आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, दुर्गा पूजा से छठ पूजा तक चलेंगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें टाइमिंग और जल्दी करा लें रिजर्वेशन। यहां पर रेलवे 2 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा, यानी दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक आरक्षित सीट पर सफर करने का मौका मिलेगा। छठ पूजा के लिए एक ट्रेन 2 ट्रिप के लिए स्पेशल रूप से चलाई जाएगी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर और टाइम टेबल जो क्या है यहां स्क्रीन के ऊपर वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अगर आपके पास भी है चेक बुक तो इस तारीख के बाद हो जाएगी बेकार, रिजर्व बैंक ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, अगर आप भी चेक के द्वारा बैंक में लेन देन का काम करते हो तो ये खबर और अपडेट आपको जरूर जान लेना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सिटीएस चेक का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और बैंक ऐसे चेक को लेना पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के निर्देश के बाद बैंक अपने ग्राहकों को पुरानी चेक बुक की जगह नई चेक बुक लेने की सलाह भी दे रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर और अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों, अगर आप कोई आदमी बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। बहुत जल्द मोदी सरकार ये नया नियम और अपडेट लागू करने जा रही है। इसकी जगह पर पहले जहां 1 लाख रुपए था जुर्माना, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, तो ऐसे में बिजली चोरी करने वालों के लिए खतरनाक झटका और बड़ी खबर अपडेट है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रहा है, आधार कार्ड से लिंक
नहीं है पीएफ खाता तो पैसा निकालने में होगी परेशानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कभी पीएफ खाता और पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करा ले दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आज भारत बंद के दिन ये कुछ मोदी सरकार के अंदर नए नियम, बड़ी अपडेट, नई स्कीमें थी। उम्मीद है जानकारी और अपडेट आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और इसी तरह की काम के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप डीएलएस न्यूज चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको हर एक काम की खबर का अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।